हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए मेरे स्कूल में कुछ वैकेंसीज की अपडेट आई है जिसे मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मिडिल स्कूलों में अब आएंगे प्रिंसिपल साहब। 95% यानी कि 95% पद रिक्त हैं। कैसे सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था? तो यहाँ पे देखिए, राज्य में मिडिल स्कूलों में प्रिंसिपल के कुल 3,226 पद सृजित हैं। इनमें से वर्तमान में 3,096 पद रिक्त हैं। सिर्फ 130 प्रिंसिपलों के भरोसे प्राइमरी और मध्य विद्यालय की संचालित की जा रही है। इसकी मुख्य वजह रिटायर होने के बाद प्रिंसिपल के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं होना है। बताते चले कि हर प्रिंसिपल से सेवा निवृत्त हो रहे हैं, लेकिन उनके स्थान पर नियुक्ति नहीं हो रही है। राज्य में प्रिंसिपल के कुल रिक्त पदों के सिर्फ 5% पद पर कार्यरत हैं। यानी मिडिल स्कूलों में प्रिंसिपल के 95% पद खाली हैं। इसका सीधा असर स्कूलों के शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों पर पड़ रहा है। अस्थायी प्रिंसिपल की तरह प्रभारी प्रिंसिपल में आत्मविश्वास नहीं होता है, क्योंकि प्रभारी प्रिंसिपल को लगता है कि कुछ दिनों के लिए ही बने हैं। तो यहाँ पे देखिए, जल्द से जल्द इसकी जो है इतने पदों पर बहाली आने वाली है। तो राज्य में कुल 24 जिले हैं, जिनमें से 7 जिलों में मध्य विद्यालय में एक भी परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है। इसमें हजारीबाग, चतरा, सरायकेला, लोहरदगा, रामगढ़, साहिबगंज, पाकुड़ शामिल हैं। वहीं 5 जिलों के लिए सिर्फ एक स्थायी प्रधानाध्यापक है, जिसमें रामगढ़, कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, जामताड़ा जिले शामिल हैं। इस प्रकार 5 से भी कम परमानेंट प्रिंसिपल हैं। तो इसके लिए वैकेंसी जल्द से जल्द निकलने वाली है। जैसे वैकेंसी आती है मैं आपको अपडेट कराऊंगी। इसकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं।